अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। रिफत व्लॉग में एक नई और बहुत ही जबरदस्त वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो जी गाइस, आज मैं आपके साथ रफली बालों के लिए एक बहुत जबरदस्त रेमेडी लेके आई हूँ। जैसा कि आपको पता है कि गर्मियों में बाल काफी खराब हो जाते हैं, ठीक है, इतने रूखे हो जाते हैं कि अगर हम इनके ऊपर ऑयल वगैरह भी लगाते हैं लेकिन उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो आज जो मैं आपको मेथड बता रही हूँ बालों के पैक के लिए, यानी कि उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए, शाइन के लिए, कि आप चाहते हैं कि आपके बाल शाइन करें, ग्रो करें, ठीक है। उसके बाद जैसे कि आप लोग पॉलर जाते हैं, कैराटीन करवाते हैं, हेयर मास्क करवाते हैं, अब आपको पॉलर में जाके कैराटीन या हेयर मास्क करवाने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ ये रेमेडी अपने घर पे बनाएं। ये सब चीजें घर पे मौजूद होती हैं। अगर नहीं है तो इनको उगाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही इजी है। इसे बनाने के लिए हमें जिन अच्छा की जरूरत है आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि ये बहुत ही जबरदस्त सा हेयर पैक बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो जी कहा, बहुत ही जबरदस्त सा हेयर पैक बनाने के लिए एलोवेरा जेल मैंने लिया है, एक स्टिक लिया है। उसके बाद ये मेरे पास है कड़ी लीव। अगर आपके पास ये कड़ी लीव नहीं है तो आप नर्सरी पर जाएं और उनसे तकरीबन, ये मैंने 50 रुपीस का पौधा लिया है और अपने गार्डन के अंदर इसे लगाया है। उसके बाद ये मेरे पास है मेथी दाना, 2 टेबलस्पून मेथी दाना लेंगे। जो कड़ी लीव है इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं, ये आप खाने में भी डाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि खाने का टेस्ट बहुत ही अच्छा आए तो आप ये कड़ी लीव अपने खाने के अंदर डालें, इसका बहुत अच्छा टेस्ट होता है। इसके बाद ये हेयर मास्क के तौर पर भी यूज किया जाता है, हेयर जो सीरम होता है, हेयर सीरम होता है उसके लिए भी यूज किया जाता है। इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट है, एक वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगी सिर्फ ये कड़ी पत्ते के अकॉर्डिंग। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे हमने कैसे बनाना है। मेथी दाना, कड़ी पत्ता और ये मेरे पास है एलोवेरा जेल, एक बड़ी स्टिक मैंने ली है। इन तीनों चीज़ों को हमने छोटे छोटे क्यूब्स में, इन इसको भी काट के और इस पत्तों को उतार के हमने इसे तीनों चीज़ों को ओवरनाइट भिगो के रख देना है ताकि ये अच्छी तरह ये सॉफ्ट हो जाए और जब हम इसका मास्क बनाएं तो बहुत ही ज़बरदस्त बने। तो इसलिए टाइम कम था तो मैंने ये पहले ही चीज़ें भिगो के रख ली थी। तो जी गाइस, ये देखें, ये तीनों चीज़ें मैंने पहले से भिगो के ओवरनाइट रख दी थी ताकि हम इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा मास्क बना सकें। ये देखें बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। मेथी दाना भी देखें, ओवरनाइट भिगोने से ये फूल जाता है और बहुत अच्छे से ग्राइंड हो जाते हैं। उसके बाद हम ले लेंगे मिक्सिंग जार। अब ये जो हमने बैटर ओवरनाइट भिगो के रखा था इस मिक्सिंग जार के अंदर डाल देंगे। ये तकरीबन 1 कप के करीब मैंने पानी इसमें ऐड किया था, इससे ज़्यादा आप पानी ऐड नहीं करेंगे, उससे ये होगा कि ये मास्क बहुत ही सॉफ्ट यानी कि थिक नहीं बनेगा। अब इसे हम अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। तो जी गाइस, ये देखें बहुत ही अच्छे से मैंने इसे ना ग्राइंड कर लिया है। ये देखें अभी ये बहुत ही ना, ये देखें थिक नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसे तकरीबन 2 मिनट तक कुक करेंगे। तो जी गाइस, ये देखें एक पैन में मैंने इसे डाल दिया है, अब इसे तकरीबन हम 5 मिनट तक कुक करेंगे ताकि ये थिक हो जाए। तो जी गाइस, 5 मिनट मैंने इसे कुक किया है, ये देखें ये इस लुक में आ गया है। अब हम इसे एक दफ़ा फिर ग्राइंड कर लेंगे ताकि इसमें ये जो मेथी दाना रह गया ना मोटा मोटा, ये दोबारा से ग्राइंड हो जाए। तो जी गाइस, ये देखें ग्राइंड करने के बाद ये इस लुक में आ गया है। इसे आपने स्टेन बिल्कुल नहीं करना है, इसी तरह अपने बालों के ऊपर अप्लाई करने लगाने का तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप अपने बालों को अच्छी तरह वॉश कर लें शैम्पू की मदद से, उसके बाद आपने अपने बालों के ऊपर कोई भी ऑयल या सीरम बिल्कुल नहीं लगाना। आपने जस्ट इस मिक्सचर को अपने बालों के ऊपर अप्लाई करना है और तकरीबन 1 घंटा अपने बालों के ऊपर लगा रहना है। उसके बाद किसी भी शैम्पू से आप अपने बालों को अच्छी तरह वॉश कर लें, कोई भी कंडीशनर बाद में लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जो मेथी दाना है वो भी कंडीशनर का काम करता है। उसके बाद आपको पता है कि कड़ी पत्ता, उसके फायदे मैंने आपको पहले भी बताए हैं कि अगर खाने में डाला जाए तो खाने में भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और अगर आप अपने बालों के लिए कोई रेमेडी बनाते हैं उसमें भी ये बहुत ही बेनिफिट है। तो बालों को अच्छी तरह वॉश करने के बाद 1 घंटा लगा के रखें, फिर किसी भी अच्छे से शैम्पू से जो आप यूज करते हैं उसे अपने बालों को अच्छी तरह वॉश कर लें और उसके बाद आप अपने बालों को ड्राई करें। हफ्ते में 2 बार आपने इस पैक को लगाना है, उसके बाद आपको रिजल्ट खुद नजर आएगा। तो अब हम इसे ठंडा, थोड़ा सा मैंने इसे ठंडा कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे इस तरह किसी कंटेनर में डाल के रख देंगे। आपने इसे फ्रिज में रखना है, जैसे कि आपको पता है कि गर्मी है,
चीजें खराब हो जाती है। तो इतनी मेहनत से हमने ये पैक बनाया है तो क्यों हम इसे वेस्ट करें, इसलिए आपने इसे फ्रिज में रखना है। हफ्ते में दो आप उतना बनाएं कि हफ्ते में दो बार ये लग जाए। कोशिश करें कि आप इसे फ्रेश ही बना लें, लेकिन अगर टाइम कम हो, सम टाइम होता है कि लाइट चली जाती है जिसकी वजह से ग्राइंड करना मुश्किल हो जाता है, तो आप इसे सिर्फ इतना सा बना के रख लें और तकरीबन हफ्ते में दो बार आप इसे यूज करें और उसके बाद रिजल्ट आपके सामने होगा। तो जी गाइस, कैसी लगी आज की ये वीडियो? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकॉन को भी क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब मैं आपसे चाहती हूँ ज्यादा आपसे फिर मिलूंगी इसी तरह बहुत ही जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें और नई वीडियो के लिए मेरा इंतजार करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।